दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2021 की सबसे सफल टीम रही है। ऐसा खुद साल 2021 के विजेता चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कहना था कि अगर कोई डिजर्व करता है ट्रॉफी जीतना तो वो है केकेआर। बट अब दोस्तों कहानी बदल चुकी है, आईपीएल साल 2022 पूरा बदल चुका है, कप्तान भी बदलेगा, केकेआर का दो नई टीमें भी आई है, यानी इन शॉर्ट काफ़ी एक्साइटिंग या फिर काफ़ी बोरिंग होने वाला है ये वाला सीजन। बट बोरिंग हो या एक्साइटिंग हो, हर एक टीम को कप्तान तो चाहिए होता है, और इसी के लिए केकेआर के कप्तान होने वाले हैं कौन ये आगे वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले उनकी क्या शर्त है ये भी वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। टीम केकेआर के बड़े वाले फैन हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। दोस्तों यहाँ केकेआर की टीम इकलौती ऐसी टीम नहीं है जो कप्तान बदलेगी, और भी टीमें हैं, बट यहाँ दोस्तों केकेआर की टीम जिस प्लेयर के ऊपर दाव लगाने वाली है कप्तानी के लिए, वो ओयन मॉर्गन या एंडरसन नहीं, बल्कि इस खिलाड़ी का नाम होने वाला है डेविड वॉर्नर। जी हाँ दोस्तों, अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि ये जो डेविड वॉर्नर है ये तो अपना प्लेयर्स स्पेशल ड्राफ्ट के अंदर नाम दे देंगे, बट दोस्तों मैं आप सभी बता दूँ कि एक कंडीशन यहाँ पर यह है कि डेविड वॉर्नर से बातचीत केकेआर की चल रही है। रिसेंटली केकेआर के जो वेंकी मसूर है उनसे भी बातचीत हुई थी और डेविड वॉर्नर ने हाँ कर दिया है कि वो केकेआर में आने को तैयार है। बट दोस्तों ये जो कंडीशन है वो ये है कि यहाँ जैसे ही जो लखनऊ और अहमदाबाद की टीम है उनको प्लेयर्स प्रोसेस ड्राफ्ट के अंदर जो पैसे वो प्लेयर्स को देगी, अब यहाँ दोस्तों जैसे केएल राहुल को 20 करोड़ का ऑफर दिया गया था, वैसे ही हो सकता है डेविड वॉर्नर को भी एक बड़ा ऑफर मिल जाए। और आप जानते हो इंडियन प्रीमियर लीग का दूसरा नाम है इंडियन पैसा लीग, तो अगर डेविड वॉर्नर यहाँ पर गेम प्ले को छोड़कर पैसे के ऊपर ध्यान देंगे तो वो किसी और टीम में जा सकते हैं। बट अगर वो पैसा ध्यान में ना छोड़कर उनको कप्तानी अगर चाहिए और अच्छी टीम चाहिए तो वो केकेआर में जरूर आएंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताओ आईपीएल साल 2022 के लिए डेविड वॉर्नर केकेआर के कप्तान या फिर कौन होने चाहिए डेविड जो केकेआर का कप्तान। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।